नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सपना नर्सरी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिंजल या बैंगन के पौधे के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसे अपने गमले पर लगा कर रखा हुआ है। ये बैंगन का पौधा काफ़ी खूबसूरत पौधा है और इसने अब फ्लावरिंग भी करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, बैंगन का पौधा घर पर आप आसानी से गमले में तैयार कर सकते हैं। आप फरवरी मार्च के महीने में इसके बीजों को सीडलिंग ट्रे या फिर डिस्पोजल ट्रे या फिर आपके पास जो भी मिट्टी अवेलेबल है, आप उस पर उसकी सीडलिंग कर दें। पौधा उगने के बाद आप इसे रीप्लांट कर दें। सीडलिंग उगने के बाद आपको क्या करना है, जो पौधे उगे हुए हैं उन्हें आपको रीप्लांट करने की ज़रूरत पड़ेगी। रीप्लांट आपको या तो मिट्टी के गमले में करना है या तो आपके पास जो भी गमला अवेलेबल है उसमें कर दें। ये देखिए, मैंने इस पर दो तीन पौधे लगाए थे। संभवतः क्या होता है कि कभी कभी एक दो पौधे मर जाते हैं, तैयार नहीं हो पाते, इसलिए हम दो तीन पौधे एक साथ लगा देते हैं। लगाने के बाद इसकी केयर में हमें कुछ नहीं करनी है, बस आप इसे थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए। समय समय पर गोबर की खाद दीजिए या फिर आपके पास जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर है आप उसे भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे NPK 19-19-19 भी दिया है, जो इस पे काफ़ी सुधार लेकर आई है। NPK 19-19-19 देने के बाद ही इसमें फ्लावरिंग चालू हुई है। तो दोस्तों, अब ये फल देने के लिए तैयार हो चुका है। मैंने इसे रेत और मिट्टी को मिक्स करके लगाया हुआ है, इसमें थोड़ी गोबर की खाद भी मिक्स की है। तो आप तीन हिस्सों में मिट्टी ले लीजिए, हल्की रेत लीजिए, मिट्टी लीजिए और थोड़ी सी गोबर की खाद लीजिए और उस पर बैंगन के जो रीप्लांटेशन वाला पौधा है उसे आप उस पर अप्लाई कीजिए। तो देखिए, इसका रिजल्ट कुछ इस तरह होगा। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको फल देना शुरू कर देगा। इस बैंगन की कई वैरायटियाँ आती हैं, मैंने इसे राउंड शेप वाली वैरायटी को सीडलिंग किया था और ये उसी का पौधा। ये देखिए, ये फ्लावरिंग करने लगा है, इसमें अब कुछ ही दिनों में फल लगेगा। बैंगन के पौधे की खास बात यह है कि इसे किसी भी प्रकार की कटिंग या पिंचिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये फीमेल और मेल फ्लावर दोनों एक साथ एक ही टहनी पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी 3G कटिंग बैंगन के पौधे पर अप्लाई ना करें। ज़्यादातर यूट्यूबर आपको बताते हैं कि आप बैंगन की 2G 3G कटिंग करके ज़्यादा फल पा सकते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंगन के पौधे में कोई 3G या 2G कटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप ही अपने समय के अनुसार फल देता है। बस आप इसे समय समय पर खाद मिट्टी देते रहें। आशा करता हूँ दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी लगी हों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।